आदाब नाजरीन, आईएनटी टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। गुजारिश करता हूँ कि 10 बजे जलसा खत्म करना है, बिल्कुल मुख्तसर वक्त में अपने ख्याल का इजहार फरमाएं। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान को 1947 अगस्त के दिन आजादी मिली, 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान को मिली। हिंदुस्तान अफगानिस्तान से लेके श्रीलंका तक और अखंड भारत था। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के मजहब के नाम पे तारा कानून लगे। पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट मोदी और शाह की कैबिनेट जो तारा कानून लाई, मजहब के नाम पे हिंदुस्तानियों को बांटना, हिंदू और मुसलमान के नाम पे मजहब के नाम पे बांटना ये गलत है। 1955 के अंदर जो सिटीजनशिप एक्ट आया उसके अंदर बोला गया जो 12 साल तक जो हिंदुस्तान में जो रहते हैं जो विदाउट पासपोर्ट विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट उनको 12 साल के बाद जो शहरियत के लिए अप्लाई करेंगे उनको हिंदुस्तानी शहरियत दिया जाएगा। लेकिन आज का शहरियत अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में लाया गया 14 2014 21 दिसंबर से लेकर 2019 21 दिसंबर तक जो 5 साल तक जो है हिंदुस्तान में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट जैन और पारसी और इन 5-6 मजहबों को ही जो सिटीजनशिप देने के बाद किया गया जिसमें से मुसलमानों का नाम निकाल दिया गया। ये मजहब के बुनियाद पर जो बिल लाया गया ये काला बिल के खिलाफ जब तक सांस है जब तक लड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान में जो संविधान के तहत 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना उसमें मजहबी आजादी सेक्युलरिज्म सोशलिस्टिक रिपब्लिक इंडिया बनाया गया। मजहब के नाम पे जो देश पाकिस्तान बना उसमें नहीं जाकर हिंदुस्तान में रहकर ये हुकूल वतनी हिंदुस्तान से हमारा लगाव हमारा मोहब्बत हम 1947 के बाद ये सेक्युलर हिंदुस्तान में हमारे बाप दादा सब यही पैदा हुए यही थे यही के कब्रिस्तान में करेंगे। आज हिंदुस्तान की जुडिशरी आला कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके खिलाफ रिट पिटीशन डाला गया एक ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत। इसलिए ये क्या कानून ये जो एनआरसी के नाम पे जो सिटीजनशिप बिल का अमेंडमेंट बिल लाया गया सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। इंशाल्लाह अल्लाह उसके रसूल के सबसे में हमें ये हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा है। इंशाल्लाह ये कानून सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो जाएगा। और मैं मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अल्लाह उसके रसूल ने सबका दे उनकी लंबी उम्र दे उनको सेहत दे एक मजबूत क़यादत दे हिंदुस्तान के मुसलमान 25 करोड़ गैर मुसलमान का खैर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में हिंदुस्तान के खतरे खतरे में हर एक जगह जगह से जो आवाज उठ रही है ये कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहा है ये कानून को वापस लो। ये मोदी की गवर्नमेंट ये शाह हमेशा वजीर दाखला कहते वो एनआरसी के तहत हम जरूर हिंदुस्तान के अंदर हर वो मजहब मिल्लत के आदमी से एनआरसी पूछेंगे। लेकिन उन्होंने कहते हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड आधार कार्ड हम नहीं मानेंगे ये सोची समझी साजिश है। ये एनआरसी के नाम पे मुसलमानों के साथ दगा करने का और मुसलमानों की शहरियत को क्वेश्चन करने का हम इसी देश में पैदा हुए इसी देश में रहेंगे। हमारा हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख्याल अपने हिंदुस्तान ने खोला लौट से बोलो आजादी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। एनआरसी आज ये खाली लेंगे वापस लेंगे जब तक हिंदुस्तान की हुकूमत एनआरसी सिटीजनशिप बिल वापस नहीं लेंगे हमारे चारों के भरोसे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए।
और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।